तो दोस्तों भारत ने फिर एक बार पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। दरअसल मेट्रो के मामले में भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है, बिकॉज हमने अब ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जो कि आप कोई भी देश में चले जाओ कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, इसकी खास बात बताऊंगा, किस कंपनी ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। नागपुर मेट्रो ने यहाँ पर रिकॉर्ड सेट किया है टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो ऑफ 3.14 किलोमीटर लॉन्ग ऑन वर्धा रोड। ये जो सुपर स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग है, बिकॉज आप देख सकते हो कि अंडरपास है, फिर उसके बाद रेलवे लाइन, उसके ऊपर फिर से एक रोड और उसके ऊपर हमारी मेट्रो। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि कितने सारे चैलेंजेस का हमें टैकल करना पड़ा है। ये जो काम है बिल्कुल भी आसान नहीं था, इंजीनियर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, एकदम कॉम्पिटिटिव होने के बाद तब जाकर ऐसा डिजाइन हमने फाइनलाइज किया और फटाफट से विदाउट एनी डिले इसका कंस्ट्रक्शन भी टाइम पे खत्म हुआ। ये काम वैसे करके दिखाया है हमारी इंडिया की जानी मानी कंपनी एफकॉन्स ने। इसके ऊपर नितिन गडकरी जी ने भी ट्वीट करते हुए कहा, आप देख सकते हैं उनका ट्वीट जहां पर उन्होंने हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन किया है NHAI और महा मेट्रो की टीम को फॉर दिस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अक्सर आपने इन्हें सुना होगा कि ये बात करते हैं कि एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक और रोड, फिर उसके ऊपर मेट्रो। काफी लोगों को ये मजाक लगता था, इनफैक्ट विपक्ष के भी काफी सारे लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन ये जो अभी सुपर स्ट्रक्चर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उन सभी सवालों का जवाब है। और अब हमारे पास वो एक्सपर्टीज आ चुकी है फाइनली कि ऐसे ऐसे सुपर स्ट्रक्चर्स बनाकर हम हमारे देश में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट ला सकते हैं, स्पेशली काफी सारे कंजेस्टेड सिटीज में। सो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।